हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एंड्रॉयड ऐप में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कमाल की ट्रिक बताने वाले हैं। यह ट्रिक यह है दोस्तों कि यह मान लो आपका फ़ोन है और आप अपने फ़ोन को कहीं भी चार्जिंग पर लगा कर रख दिए हो और उसी समय आपका कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है और आप चाहते हो कि उस कॉल को आपके सिवा घर का कोई भी सदस्य उस कॉल को रिसीव ना कर पाए, तो उस वक्त इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। सिर्फ एक कोड की मदद से, एक कोड आप डाल दो, जब आपके नंबर पे अगर इम्पोर्टेड कॉल आएगा तो जब तक उस कोड को हम अपने फोन पर नहीं डालेंगे तब तक आपके कॉल को कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड, वह सब कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। तो फ्रेंड, यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आइए ज़रा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं आप लोगों को इसी ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहां पर कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में जाकर आपको एक कमेंट करना है। कमेंट में आप नाइस, ऑसम या आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट को लाइक करते हैं और हट देते हैं। तो इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज कीजिएगा दोस्तों। आइए फ्रेंड, वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन पर उस कोड को डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके पास कोई कॉल करता है तो आपका जो इम्पोर्टेड कॉल होता है, आप जब तक कोड नहीं डालेंगे तब तक कॉल को कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है और कहां से इंस्टॉल करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको आ जाएगा। एक बार आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यह सेटिंग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको दो कट का निशान है, पहले वाले कट पे आपको क्लिक करना है। ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक करना है। एक परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगा, परमिशन अलाउ करना है, बैक हो जाना है या ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाले कट पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है, यह भी आपका जो है ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेट लॉक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछता है कि पिन लॉक लगाना है या पैटर्न लॉक, तो मैं पिन लॉक लगाऊंगा तो मैं पिन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन है तो सेट पिन पे क्लिक करना है और चार अंक का एक पिन रखना है। मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ तो मैं रखता हूँ 0022। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से उसी कोड को आपको डाल देना है। डालने के बाद में यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब आपके सामने यहाँ पे चौथा स्टेप आता है, इनेबल लॉक, यहाँ एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आपका काम हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग पे क्लिक कर सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि कॉल आते समय बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार का बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड रख सकते हैं, तो मैं इस ये वाला बैकग्राउंड रखता हूं, यहां पे सेव कर देना है। बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहां पे शो कॉलर नेम का ऑप्शन है। यदि आप चाहते हैं कि जब कॉल आए तो उस व्यक्ति का नाम भी शो हो तो आप इस बॉक्स को टिक करें। यदि आप चाहते हैं कि कॉल आए तो उस व्यक्ति का नाम शो ना हो तो आप इसको अनटिक रहने दें। उसके बाद में दोस्तों यहां पर खास फीचर एक और दिया हुआ है, इनेबल लॉक शेड्यूल, यानी कि यहां पर जो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सेट लॉक शेड्यूल का ऑप्शन है, यहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको एक टाइमिंग सेट करना है, आप चाहते हैं कि रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के जो भी कॉल आए उसके ऊपर में लॉक लग जाए, तो आप अपने हिसाब से इस टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप मान लीजिए आप घर में अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा दिए एक घंटा के लिए और उस समय जो भी टाइमिंग होता होगा, मान लीजिए दिन में 10 बजे आपने चार्ज पे लगा दिया तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप चार्ज में लगाए हैं, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इस टाइमिंग को सेट कर देंगे तो क्या होगा कि 10 बजे और 11 बजे के बीच में जितने भी कॉल आएंगे उस कॉल पर लॉक लग जाएगा, उसके बाद में जो भी कॉल आएगा उस पर लॉक नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। यह काम आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को एक फोन करके दिखाता हूं। देखिए, मैं यहां पे फोन रख देता हूं और इस फोन से मैं इस फोन पे कॉल कर रहा हूं आपके सामने। देखिएगा, लॉक लग जाएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कॉल है लॉक लग गया है। देखिए लॉक लग गया है, इनकमिंग कॉल आ रहा है। अब मुझे वो कॉड डालना पड़ेगा, जो कॉड मेरा है, मेरा कॉड है 0022। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कॉल डाला तो यह कॉल रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतने ही बता रहा था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।